हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास सिक्स का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर जो हम कर रहे हैं डेसिमल्स यानी दशमलव, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अभी तक क्या कर रहे थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो भाई, प्लेस वैल्यू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे, और वही हम सीख रहे थे अभी तक कि भाई डेसिमल नंबर्स जब लिखते हैं तो उसमें किसकी क्या प्लेस वैल्यू होती है, ये चीज हमने सीख ली अच्छे से। उसके बाद हमारे सामने जो भी भाई फ्रैक्शंस होता है उसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, ये चीज हमने सीखी। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिक्स आप अच्छे से जानते हैं, तो देखते हैं कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। यहां पे क्या करना है भाई, जो आपको नीचे डेसिमल्स दिख रहे हैं, हर एक पार्ट में आपको कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं, डेसिमल्स दी गई हैं। अब क्वेश्चन को आप तो देखिए, यहां पे बोला गया राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। तो इन जो दशमलव आपको दिख रहे हैं इनको एज फ्रैक्शन लिखना है। क्या लिखना है? फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिखना है आपको। तो पहले भिन्न के रूप में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पार्ट यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं, अच्छे से आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट टर्म। सरलतम रूप निकालना हमने सीखा था भाई, जब फ्रैक्शंस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप लोवेस्ट टर्म में कैसे निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये भाई 0.6 है। 0.6 जो है उसमें हम दशमलव हटा देंगे और दशमलव के नाम का नीचे एक जीरो लगा देंगे, एक के सामने। क्यों? क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करते हैं, हम उनको गिनते हैं। तो बताइए, दशमलव के दाई तरफ एक अंक है, इसीलिए मैंने एक के सामने डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा दिया। तो क्या आ गया ये 6/10। 6/10 यहाँ पे आ जाता है। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो दोनों देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों दो से भाग हो रहे हैं। तो ये आ गया 3/5। क्या आ गया? 3/5, 3/5। ये होता है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको सिंपलेस्ट रूप में बताना। इसी तरह से जैसे 2.5 है, 1.0 है, सबको आप पहले तो
दशमलव के रूप में लिखेंगे और उसके बाद इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट कर देंगे जैसे हमने पहला पार्ट किया है। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर किसी को अब भी डाउट है हैंड रेज करके पूछें या फिर चैट के माध्यम से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो जल्दी से बाकी के पार्ट सॉल्व करके अब आप मुझे आंसर बताएंगे, जैसे जैसे आपके आंसर आते जाए हैंड रेज करके अपने आंसर्स बताते जाएंगे। जल्दी से अब करो इसको नोट डाउन और फिर सॉल्व करो इसको। अब स्टूडेंट्स जिस जिसका आंसर आ गया है अपना हैंड रेज करें आप, ताकि आप अपना आंसर बता सकें। सेकंड पार्ट का 2.5 का क्या आंसर आएगा 2.10 का? देखिए इसमें क्या करना है, 2.5 है ये, तो दशमलव की जगह हम नीचे एक जीरो लगा देंगे के आगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड पे दाएं तरफ एक अंक है, इसीलिए एक जीरो लगा दिया हमने। क्लियर है? उसके बाद इसको सरलतम रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे कि ये कौन सी संख्या से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, अंश और हर दोनों को सेम संख्या से भाग करना है। तो 2 से तो 25 भाग नहीं होगा और 3 से तो दोनों में से कोई भी भाग नहीं हो रहा, ना ही 4 से हो रहा है कोई भी भाग, इसीलिए हम 5 से देखेंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यह आ गया 5/2। सरलतम रूप है स्टूडेंट इसका, 5/2 क्या है, सरलतम रूप है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखेंगे आप, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सारे इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ सिक्स देखिए, बाकी सब एक जैसे से हैं, इसीलिए सारे के सारे पार्ट्स करने का तो कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पे, इसीलिए कुछ पार्ट्स मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। अब सिक्स पार्ट देखिए, 21.2 है, तो दशमलव हम यहाँ से हटा देंगे और क्या लगा देंगे डिनोमिनेटर में, एक के आगे एक जीरो। क्लियर है? अब सरलतम रूप में कन्वर्ट करके देखिए, 2 से भाग करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0 और 2 × 6 = 12, तो ये हो गया 106/5। ये सरलतम रूप में है क्योंकि 5 सिर्फ 1 या 5 से भाग होता है, जबकि 106 किसी से भी 5 से भाग नहीं होगा इनमें से। ठीक है, तो दोनों किसी कॉमन संख्या से भाग नहीं होते, इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं 106/5 अपने सरलतम रूप में है स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेवेंथ पार्ट आप कर लेंगे, तो बचे कौन से थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये होमवर्क के लिए होंगे। कौन से थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये करेंगे बच्चों आप अपने होमवर्क में, किसमें करेंगे, होमवर्क होगा ये आपका, तो नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क भी और जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है उसको भी नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। स्टूडेंट्स सबने कर लिया है नोट डाउन, कर लिया सबने, हैंड रेज कीजिए अगर सबने इसको नोट डाउन कर लिया है तो, अपना हाथ खड़ा करके बताएं। शाबाश, वेरी गुड। जीआईसी रिंकी खाल नोट डाउन कर लिया है, वेरी गुड। जीआईसी बड़ो वाला बेटा, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो अपना हैंड रेज करें। चलिए जो स्कूल्स नहीं सुन पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लें, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे क्लियरली सुन पाए, ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। बाकी देखिए ये तो है सिंपल प्रॉब्लम्स, है ना, सिंपल डेसिमल है, उनको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। अब थोड़े से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, बस दशमलव आपके चेंज होने वाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे भाई, वो अगर पिछले वाले आपको पार्ट समझ में आ गए हैं तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला भाग यहाँ पे क्या होने वाला है आपके लिए, 0.60, जीरो दशमलव जीरो पांच, जीरो दशमलव एक आठ, जीरो दशमलव दो पांच,
0.125, 0.066। क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, भिन्नों में बदलना है, उसके बाद इसको सरलतम रूप लोवेस्ट टर्म में आप कैलकुलेट करेंगे। फर्क क्या है पिछले क्वेश्चन में और इसमें, देखिए यहाँ पे आपको दशमलव के बाद एक से ज्यादा अंक भी दिख जाएंगे। जैसे पहला भाग देखिए, दशमलव के बाद मुझे दो अंक दिख रहे हैं, 6 और 0। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे स्टूडेंट्स, 0.60, 60 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं आप इस तरह प्रोनाउंस करते हैं उनको, 0 फिर 6 और 0, 0.60, दशमलव हटा के डिनोमिनेटर में एक के आगे कितनी जीरो लगाएंगे, कितनी शून्य लगाएंगे, 2, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 अंक हैं, 2 शून्य लगा दी। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 6/10, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 2 5 10, ये आ गया 3/5, आंसर 3/5 ही आएगा, बस थोड़ा सा तरीका आपका चेंज हो जाता है। इसी तरह से बी सी डी ई एफ सभी के सभी पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे दशमलव के बाद 3 अंक हैं वहां पे डिनोमिनेटर में आप एक के आगे 3 शून्य लगा देंगे, इसी तरह करते थे। तो इसको नोट डाउन करो और जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों इसके बाकी के पार्ट्स। अब बताइए बच्चों किसका आंसर आया है, सबने कर लिए सॉल्व, शाबाश, वेरी गुड, जीआईसी रिंकी खाल बेटा, जिस जिसके आंसर आए हैं सेकंड पार्ट हो गया, जैसे माइक लें और बात आंसर बताएं अपना, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर बी का आंसर है 1/20। 1/20, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर सी का आंसर है 9/50। 9/50। दो सर 1/2। 1/2। बहुत अच्छे। और सर ई का आंसर है 1/8। गुड। 33/500। 500, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? सुजन। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लगभग सभी के आंसर्स निकाल लिए हैं, वेरी गुड बेटा, बैठ जाएं आप शाबाश, और सभी बच्चे तालियां बजाएंगे इनके लिए, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, वेरी गुड, सबसे पहले स्टूडेंट है जिन्होंने सारे आंसर्स दिए हैं। अब बच्चों दूसरा सवाल होता है कि आपके आंसर ठीक है या नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एटलीस्ट आप सॉल्व तो करें, आंसर तो निकालें, उसके बाद देखेंगे कि भाई आपके आंसर ठीक है नहीं है, ट्राई करना सबसे जरूरी चीज है। देखिए सबसे जो बी पार्ट है यहाँ पे उसको कैसे सॉल्व किया आपने, हम इसको अब चेक करते हैं, और अगर आपको किसी आंसर में कोई आंसर आपको लगता है कि भाई आपका डिफरेंट आया है तो वो आप बता सकते हैं हैंड रेज करके, अगर बाकी किसी भी बच्चे का आंसर इनसे अलग आया है तो आप बताइए मुझे, कोई भी किसी भी पार्ट का आंसर अगर आपका अलग आया है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, हैंड रेज करके ऐसे ही आप माइक लेके बताएंगे जो भी पार्ट आपका उसका आंसर अलग आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई तो बच्चा होगा जिसका सारे आंसर सेम नहीं आएंगे, कोई तो अलग आया होगा, क्योंकि इन जितने भी आंसर हैं लगभग सारे सही हैं, पर एक आंसर में छोटी सी मिस्टेक है, बस आपको वही ढूंढनी है। तो बाकी बच्चे मुझे बताएं कि भाई कौन से पार्ट के आंसर में मिस्टेक है, जल्दी से बताएं बेटा, अगर आप भी ठीक करना चाहते हो अपना आंसर तो आप भी बता सकते हैं, कुछ करेक्शन अगर जरूरत हो इन आंसर में, लेकिन एक बार फिर से देखें सभी बच्चे और बताएं इसमें से कौन सा पार्ट आपको लगता है कि आपका आंसर अलग आया है इससे थोड़ा सा, तो जल्दी से एक बार दोबारा से देखें, ट्राई करें और फिर अपना हैंड रेज करके बताएं।
चलिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट से शुरू करते हैं हम। लास्ट पार्ट में क्या है, 0.066। अब मुझे बताइए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के राइट हैंड साइड में है 3 अंक, दैट मीन्स हम 1000 लिख सकते हैं। अब 66 और 1000 दोनों किससे भाग हो जाते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाता है 33 और ये आ जाता है 500। 33/500 बिल्कुल सही आंसर है आपका, है कि नहीं? बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए इसी तरह से 0.125, इसको 125 बोलेंगे ना कि 125, ये ध्यान रखना। तो 0.125 है, 125 है, इसको जिस बटे कितना करेंगे हम, 1000 करेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड में 3 अंक हैं, इसको हटा के मैं नीचे 1000 लिख सकता हूं। अब इसको कितने से डिवाइड करना है बच्चों, देखिए 25 से कर सकते हैं, पर पहले हम 5 से करते हैं, 5 × 2 = 10 और 0, 0, और इसको भी 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, है ना। फिर हम इसको 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25 और इसको 40 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 5 और इसको 5 से करेंगे तो 8, कितना आ गया, अल्टीमेटली आंसर आ गया आपका 1/8, जो कि बिल्कुल सही है। सिमिलरली ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये दोनों आंसर भी आपके करेक्ट हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं भाई ये भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, तो आपको बताना होगा बच्चों, हैंड रेज करके आप बोलो कि भाई ये भी सॉल्व करो, तो हम कर देंगे। अदरवाइज ये बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट डी है, पार्ट डी में हल्की सी मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है वो हम चेक करते हैं। तो डी पार्ट जो है वो क्या था स्टूडेंट्स आपका, डी पार्ट जो था वो है 0.25, 0.25 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा के डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 10 ये आ गया 20। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, 1/4 आएगा, है ना, ये आंसर 1/4 होगा। बस इसमें थोड़ा सा आपने ऊपर नीचे हो जाता है, बट बाकी सारे आंसर आपके बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी कोशिश की आपने और सब आंसर सही भी निकाल दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाकी बच्चे भी देखें और बिल्कुल ऐसे ही आंसर करें, ठीक है, बिल्कुल सही हो गलत हो वो बाद की बात है बच्चों, एटलीस्ट आप आंसर तो करें, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे भी पता लगेगा कि आपको साथ साथ समझ में आ रहा है। अब इनको नोट डाउन कीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकें। सबने नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आप। तो स्टूडेंट्स ये है आपके लिए क्वेश्चन अगला,
क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स, भाई शब्दों में लिखना है जो दशमलव आपको दिए गए हैं इनको। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो आपके समझ के ऊपर है कि किस तरह से आपको बेटर समझ में आता है। देखिए दोनों ही लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, दशमलव को हम पॉइंट बोलते हैं, 0.03 0.03। क्या बोलेंगे, 0.03। और अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये हो जाएगा 0.03। क्या हो जाएगा, 0.03। सभी बच्चे लिख लीजिए, हिंदी में इसको लिखेंगे 0.03 और इंग्लिश में हमने लिखा है 0.03। तो इसको 0.03 बोला है, ठीक है, और कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज होने वाली हैं। 1.20 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 1 फिर दशमलव है मतलब पॉइंट, फिर 20 ना कि 20, ये हो जाएगा 2 और 0, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में अगर लिखेंगे तो 1.20 1.20, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो ये सारे जो पार्ट्स दिख रहे हैं इनको आपको वर्ड्स में लिखना है स्टूडेंट्स। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाए। तो बच्चों सबने इसको नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका और कर लेते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 1 के बाद है डेसिमल, है ना, तो 1.20। हिंदी में इसको लिखेंगे 1.20 1.20, इस तरह लिखेंगे। बाकी के जो दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो आप होमवर्क में करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। तो ये दो पार्ट जैसे किए हैं वैसे ही बाकी पार्ट्स भी आप इजीली कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर्स देते रहिए आप, ताकि आपको भी एक मोरल बूस्ट मिले और मुझे भी पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।